जी व्यूवर्स, हम आज आपकी मुलाकात औरंगाबाद की जानी मानी शख्सियत से करवा रहे हैं जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, मीडिया से जुड़े हुए भी हैं। ये है जी, हम बात कर रहे हैं खालिद अहमद साहब की। हम आज उनसे बात करने जा रहे हैं मुक्ति संग्राम की। वान खरीद 17 सितंबर को मुक्ति संग्राम है और यहाँ पर जोरों शोर से उसकी तैयारियां हो रही हैं, लेकिन कुछ लोग हैं या फिर खालिद साहब का ये मानना है कि मुक्ति संग्राम से बहुत से लोगों के जज्बात हर्ट होते हैं। ठीक है, आजादी मिली है, एक हुकूमत आती है, एक जाती है, ये तो दुनिया का है उरूज और जवाल, मगर कुछ ग्रुप है या कुछ लोग हैं जो मुक्ति संग्राम या उसे आजादी का नाम जो खुशी महसूस करते हैं तो एक तरफ किसी के जज्बात भी हर्ट होते हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर हम खालिद साहब से बात करने जा रहे हैं। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है, हम आपका यहाँ पर वेलकम करते हैं। तो ये बताइए कि एक्चुअली मुक्ति संग्राम या एक्शन जो है वो है क्या चीज? बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और इस मामले में बात करने के लिए। सबसे पहले बात तो ये है कि अगर हम ये देखें कि मुक्ति संग्राम है क्या, या पुलिस सेक्शन या फिर ऑपरेशन पोलो। दरअसल जब हिंदुस्तान की आज़ादी का दौर दौरा था और उस वक्त जब आज़ादी की बातें चल रही थी तो बरतानवी गलियारों में भी इसका जिक्र हुआ है, और हालात जिस तरह तब्दील होते रहे, लोग अपनी जद्दोजहद में बढ़ते रहे, आज़ादी के मतवाले अपनी जानें गंवाते रहे, शहीद होते रहे, तो फिर एक मौका ऐसा भी आया कि ब्रिटिश हुकूमत को फैसला करना पड़ा कि हम इसको हिंदुस्तान को अब ज़्यादा गुलाम नहीं बना सकते, इसको आज़ाद करना होगा। तो आज़ादी कर देने से पहले कई चीज़ों पर गौर किया गया, जैसे कि यहाँ पर 584 रजवाड़े थे, राजा थे, किंग थे। उसके अलावा मुसलमानों की एक आबादी थी जिनकी क़यादत जिन्ना साहब कर रहे थे, और हिंदुस्तान के द्वाखी लोग थे। तो इसमें ये हुआ कि पाकिस्तान की बनाने की बात हुई, पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान के टुकड़े हुए। तो ये सब प्रोसेस के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में 3 जून 1947 को एक बिल पास हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ादी दी जा रही है और 15 अगस्त को हिंदुस्तान को आज़ाद किया जा रहा है। और ये जो बाकी 584 रियासतें हैं या राजा हैं, किंग हैं, इनको परमिशन दी गई थी कि वो चाहें तो 14 अगस्त को पाकिस्तान में जम हो जाएं, या 15 अगस्त को हिंदुस्तान में जम हो जाएं, या फिर आज़ाद रहें। ये पादा तो एक कानून पास हुआ था। तो इसमें सल्तनत आसिफिया जो है हमारी दक्कन की, इसने आज़ाद रहने का फैसला किया था। फिर ये हुआ कि आहिस्ते आहिस्ते सारी रियासतें जम होने लगी या जम करने की कोशिश की गई, और इन कोशिशों को देखकर यहाँ की जो सल्तनत आसिफ के जो रूहे रवां थे मीर उस्मान अली खान, उन्होंने महसूस किया कि हम हिंदुस्तानी फौज का या हिंदुस्तानी हुकूमत का मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा हमें हिंदुस्तान में जम होना चाहिए। हालांकि वो दुनिया के सबसे मालदार आदमी थे, सबसे मालदार हुकूमत उनकी थी और उनके पास दुनिया भर की सारी फौजें थी, फ्रांसीसी, बरतानवी, दुनिया भर के। जैसे हमारे पास औरंगाबाद का छावनी जो कैंट है वो उसी की याद है। मगर ये उनके ऐसा मानना था कि अगर हम रेजिस्ट करते हैं या जम नहीं होते हैं तो हम पर हमला किया जाएगा और फिर हमारे दक्कन के मुसलमानों का, दक्कन के सारे जो है हिंदू मुसलमानों का, सबका नुकसान होगा। खासिम रज़वी साहब भी थे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, उन्होंने एक नई तंजीम बना ली रजाकार, और उनके जरिए जो है तो वो अपनी एक्टिविटीज करने लगे। वो तहजीब जो है पूरे माठवाड़ा में फैल गई, दक्कन में पूरी तरह फैल गई, और उसकी आड़ में बहुत कुछ कलदेव साजिशें भी की जा रही थी। आखिर में ये हुआ कि बातचीत शुरू हुई निज़ाम की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और उसमें सारे मामले तय हो रहे थे कि जिस तरह कश्मीर को मुख्तलिफ जो है तो मराहत दी गई थी, उस रियासत का अलग दर्जा दिया गया, तो वो सारी बातें यहाँ से भी हो रही थी। अच्छा, अगर से ये बातें हो जाती तो हमारे अवाम, मतलब हिंदू मुस्लिम जिस कम्युनिटी से भी बिलोंग करते हो, हमें वो सारी फैसिलिटीज दी जाती, एक खास दर्जा दिया जाता जो कश्मीरी अवाम को दिया गया है। जाहिर सी बात,
जो कश्मीर को जिस तरह दिया गया तो उसी तरह हमारे को मिलता, क्योंकि हम सबसे बड़ी सल्तनत तो हमारी थी, दक्कन की सबसे बड़ी सल्तनत थी, सबसे मालदार थी और वेल एस्टेब्लिश थी, और तो इसमें कोई दो राय थी ही नहीं। लेकिन कुछ लोग आए, साजिशें हुई और फिर सजा करो की आड़ में एक बड़ा गेम किया गया, और फिर इधर 10 सितंबर को जिन्ना का इंतकाल हुआ और 13 सितंबर को इंडियन मिलिट्री ने दक्कन की तरफ कूच किया और 3-4 दिन के अंदर इन्होंने पूरा कब्जा एरिया कैप्चर कर लिया। हालत ये बात थी कि जब सवाल ये उठता है कि जब सल्तनत आसिफिया खुद जम होना ही हो रही थी, वो चाहती थी कि जम हो जाए, तो इसके बाद ऐसी क्या वजूहत थी जो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को इन पर अटैक करने की नौबत आई? क्यों ऐसा किया गया? पहले तो इसे ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया, बाद में कहा गया कि यह पुलिस एक्शन था, और अब उसको नाम दिया जा रहा है मुक्ति संग्राम। तो क्यों भाई, के एक मुल्क के, इसी मुल्क के बाशिंदे हैं, उन पर उस तरह क्यों उन पर अटैक किया गया, जबकि एक उस मुल्क का सरबराह जो है, जो दक्कन या सल्तनत आसिफिया का, वो बातचीत कर रहा है, मीर लायक अली साहब दिल्ली में बैठे हुए, बातचीत चल रही थी, तो तब भी इस पर अटैक किया गया, और इस अटैक के अंदर 7 लाख मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। और ये पूरा हैरतअंगेज बात है कि जिस सल्तनत आसिफिया को लेकर ये मामला चल रहा था, उस सल्तनत आसिफिया की राजधानी हैदराबाद में पुलिस एक्शन के नाम पर या ऑपरेशन पोलो के नाम पर या मुक्ति संग्राम के नाम पर किसी की नक्सीर भी नहीं फूटी, और हमारे पास 5 जिला अजला हमारे इफेक्टेड थे बुरी तरीके से, जिसमें उस्मानाबाद जिला रहा और औरंगाबाद जिला रहा, जालना रहा, परवन, ये सारे इफेक्टेड थे, और यहाँ पर बदतरीन नांदेड़ सा था, बदतरीन हालात जो है वो बनाए गए। और एक किताब, कई किताबें इस पर थे, कई राइटर्स ने लिखा है। और इन हालात पर जब ये चल रहा था, खून और गारतगरी चल रही थी, उस वक्त मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने नेहरू से कहा कि ये कब तक चलेगा ये खून खराबा, और तब फिर जो है उसको देखने के लिए कमीशन बनाया गया था पंडित सुंदरलाल की क़यादत में, और पंडित सुंदरलाल दक्कन आए और उन्होंने सारी बातें देखी। और तो उस वक्त के इतने बदतरीन हालात थे कि हमारी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कुएं पटे पड़े थे लाशों से, लोग मारे जा रहे थे, कुएं भरे गए थे। एक जगह वो लिखते हैं अपनी किताब में कि मैंने पुलिस सेक्शन के 8वें रोज उदगीर की नदी में खून बहते देखा है। किसी नाली में खून बह जाना हो सकता है कोई बात ना हो, लेकिन किसी नदी में खून बहना एक बहुत बड़ा वाकया है, क्योंकि नदी बहुत बड़ी होती है और खून इतना खून कहां से आया होगा कि वो नदी खून रेज हो गई थी। तो ये पुलिस एक्शन के नाम पर या मुक्ति संग्राम के नाम पर जो गेम किया गया है, जो खेल खेला गया है, ये हिंदुस्तानियों ने हिंदुस्तानियों पर ही मार काट की है। और उसके बाद सितम बालाए सितम ये हुआ कि उसके पर फिर एक मुक्ति संग्राम मनाया जा रहा है, यानी आप खुशियां मना रहे हैं, यानी 7 लाख मुसलमानों की मौत पर आप खुशियां मना रहे हैं। और उनको कब होश आया आपको? 1948 में पुलिस एक्शन होता है और आपको याद आता है 1998 में कि मुक्ति संग्राम मनाया जाए। तो ये सब साजिशें हैं, नजर आती है कि किस तरह बेवकूफ बनाया जाता है लोगों को। तो मुक्ति संग्राम जो है, ये एक ऐसा दाग है मुसलमानों के दिलों पर और जहनों पर, जिसकी यादें वो कभी भुला नहीं पाएगा। इस मुक्ति संग्राम में इन जो खासतौर पर मराठवाड़ा के मुसलमानों का बड़ा नुकसान हुआ है, मतलब किसी जानी ही नुकसान ना, नहीं, जब लड़ाई होती है तो एक तरफ के लोग मरते ही हैं, ये एक दुनिया का मतलब दस्तूर है। आपको क्या लगता है कि नुकसान? लड़ाई कहाँ हुई? जब सुल्तान आसिफे की फौजें बैरक से बाहर निकली ही नहीं, तो किससे लड़ रहे थे आप? सिविलियन से लड़ रहे थे, सिविलियन को मार रहे, काट रहे थे आप। फौज कहाँ थी आपके सामने? लड़ा किससे जाता है? फौज से लड़ेंगे ना आप। सल्तनत आसिफिया खुद इंडियन गवर्नमेंट के सामने बैठा है और वो उसमें बातचीत कर रहा है कि हमको जम होने के लिए क्या प्लान करना है, क्या करना है, और वो सब होने के बाद आप मिलिट्री को ला के खड़े कर देते हैं मराठवाड़ा की सरजमीन पर, और वो सीधा खत्म गारत करती है। मिलिट्री, इंडियन मिलिट्री ने जो किया वो तो किया ही, लेकिन रजाकारों के आड़ में ये हिंदू महासभाई जने लोगों ने एक बड़ा कहते तमाशा किया है, लोगों को जलाकर मारा गया है, लोगों को कहते कत्ल किया गया है, बदतरीन हालात से गुजरे हैं यहाँ के मुसलमान।
अगर कि अगर हम देखेंगे मराठवाड़ा में शायद ही कोई खानदान ऐसा हो जिसके जिसकी या तो जानी नुकसान नहीं हुआ हो या जिसका माली नुकसान ना हुआ हो। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनका जानी और माली नुकसान भी हुआ, जैसा मैं हूँ मिसाल के तौर पर। हम लोग जमींदार खानदान के थे, मेरी जमींदारी बदनापुर के 5 गांवों में थी, सिलू और मानवत में थी, पाथरडी अहमदनगर के पास आज भी हमारे 500 एकड़ जमीन हमारे दादा के नाम पर मौजूद है। ये सारी जमीनों पर सब लोगों जो लोग नौकर थे वो मालक बन गए, जो बटेदार थे वो भी मालक बन गए, जो पड़ोसी था वो भी मालक बन गया। नतीजा ये हुआ कि हमारे पास जो है कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ कब्जा कर लिया गया। और ये है कि हमारा एक मकान था जो खुदपुरा में एक बंगला था जमींदारों का, चूंकि इलाका गैर महफूज था तो हमारे दादा ने अपनी बच्चियों की हिफाजत के लिए उसको यहाँ शिफ्ट किया और बाद में शहर में। तो बाद में पता चला कि वो जब पुलिस एक्शन के सारे हालात खत्म होने के बाद जब जाकर देखा गया तो बंगला भी लोग कब्जा कर चुके थे। और फिर हमारा खानदान किराए के मकान में रहा। तो मतलब ये है कि हमारा क्या कसूर था, हमने किस गवर्नमेंट से जाके लड़ा। इस तरह सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों खानदान बर्बाद हुए हैं, लाखों की लाशें दफन करने के मौके नहीं मिले हैं। यहाँ के नौजवानों को रजाकारों के नाम पर हाजी अब्दुल हमीद साहब, उन्होंने यहाँ के नौजवानों को उठाकर लेके गए मालीवाड़ा के मकाम पर, और सामने मिलिट्री इंडियन मिलिट्री खड़ी थी, सारे वो इंडियन मिलिट्री जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अपनी जाबाजी के झंडे गाड़े थे, उनके सामने खाजी अब्दुल हमीद ने रजाकारों के नाम पर ये नौजवानों को खड़ा कर दिया। इंडियन मिलिट्री ने उनसे एक बार वार्निंग दी, दूसरी वार्निंग दी, तीसरी वार्निंग दी, और आखिर में एक ही फायर में एक ही गाड़ में वो सारे नौजवानों को कत्ल कर दिया गया। और वहीं एक गड़ा गाड़ का बनाया गया और वहां गाड़ दिया गया। जो बच्चे छोटे छोटे नौजवान बच्चे अपनी माओ के पास गए थे, उनकी माएँ उनकी वापसी का इंतजार ही करती रहेगी। मतलब कि देखिए कि कहाँ कहाँ और कैसे कैसे जो है तकाली पहुंचाई गई, कैसे कैसे कत्लेआम हुए, और कत्लेआम भी वो जो तैयार नहीं थे, जो लड़ना नहीं चाहते थे। तो ये है, ये है मुक्ति संग्राम। और इसी वजह से हम लोगों ने सन 1998 में ही हिस्ट्री एकेडमी के तहत हमने यौम शहीदा मनाया था, और पूरे मराठवाड़ा के अंदर से हमको रिस्पॉन्स मिला था। कई किताबों ने इसका जिक्र किया है, जैसा यहाँ के बहुत मशहूर राइटर हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी थे वो PWD में, जनाब अजीज अली इंजीनियर साहब, उन्होंने अपनी किताब जो जिसका अनुवान ही सुकूत हैदराबाद था उसमें सारी बातों का जिक्र किया। और उसने उस वक्त की औरंगाबाद की हमारी जो एक्टिविटी थी स्टे एकेडमी की उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि कम से कम मराठवाड़ा में एक कोई तंजीम थी स्टे एकेडमी जिसने इनके खिलाफ ये बोलने की हिम्मत की। तो ये है मुख्तसर। हैदराबाद एक ऐसा शहर है या फिर साउथ इंडिया जो जिसे हम बोला जाते हैं, यहाँ के लोग बेसिकली सॉफ्ट नेचर के होते हैं, तो हो सकता है कि इन लोगों के जज्बात से खेलना या इन लोगों को गुस्सा दिलाना इतनी आसान बात नहीं है। तो जब ये देखा गया कि इन लोगों को गुस्सा कैसा दिलाया जाए, अपने ही पड़ोसी से दुश्मनी पे आमदा किस तरह किया जाए, तो ये बात रखी गई कि जिस हिसाब से पाकिस्तान बना है तो हैदराबाद और हैदराबादी और निज़ाम भी यहाँ पाकिस्तान में मर्ज होना चाहता है, हैदराबादी भी या हैदराबाद भी पाकिस्तान में मर्ज होना चाहता है। लेकिन आसपास के ज्योग्राफिकली आप देखोगे तो ये पाकिस्तान से ये मिल नहीं सकता। और ये भी साबित हो चुका है या फिर कई जगह पे लिखा भी जा चुका है कि यहाँ पर स्पेशल अपना जो भी है स्पेशल अपने कुछ रूल्स लगा के अपनी अवाम के लिए कुछ स्पेशल गवर्नमेंट से डिमांड करके मीर उस्मान अली खान या हैदराबादी गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट में जम होना चाहती थी। लेकिन पब्लिक में ये बताया गया कि ऐसी बात नहीं है, ये पाकिस्तान में मिलना चाहती है। और यही गुस्सा जो पार्टीशन के वक्त था वही गुस्से को सामने रखकर लोगों में आग लगाकर इतना बड़ा फसाद किया गया, मतलब एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी से लड़ाया गया। और आज ये जब कुछ लोगों के दिलों पर हो सकता है कुछ लोगों के दिलों पर ये बोझ हो, क्योंकि फैक्ट तो हर कोई जानता है देखता है, तो इसी हिसाब से इस फैक्ट को उनके जमीर को सुलाने के लिए शायद मुक्ति संग्राम का नाम देकर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया करती होगी ये जो भी गवर्नमेंट है। यही इस मतलब खालिद साहब का मानना है और कुछ लोगों की सोच है।
तो इस सोच को देखना, इस सोच को सामने रखना भी हर एक की जिम्मेदारी है।